नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बोले, बच्चों के इलाज के लिए अमेरिका का मॉडल होगा लागू। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रांची के सदर अस्पताल में मंगलवार को पीडियाट्रिक आईसीयू और एचडीयू वार्ड मरीजों के लिए खोल दिया गया। इसमें छोटे बच्चों का इलाज हो सकेगा। वार्ड में 28 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और 24 बेड एचडीयू के हैं। वार्ड का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया, अमेरिका में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सकों के आपसी तालमेल से काम लिया गया, वैसा ही मॉडल यहाँ लागू कर बच्चों का इलाज किया जाएगा। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की होगी निगरानी। डेल्टा वेरिएंट को झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कारण माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों का कहना है कि संभावित तीसरी लहर का मुख्य कारण भी डेल्टा प्लस हो सकता है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमा तैयारी में जुट गया है। विभाग के द्वारा अब डेल्टा प्लस संक्रमित लोगों का स्टेट से आने वाले यात्रियों की गहन निगरानी होगी। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश डेल्टा प्लस स्टेट की श्रेणी में आते हैं। इन तीनों राज्यों से झारखंड आने वाले 100% यात्रियों की कोरोना जाँच की जाएगी। इसके लिए रेलवे के DRM को जल्द पत्र भेजा जाएगा। उक्त तीनों राज्यों से आने वाले ट्रेनों की यात्रियों का ब्यौरा मांगा जाएगा। तीनों राज्यों से आने वाले ट्रेनों के झारखंड के जिन स्टेशनों पर ठहरा है वहां उतरने वाले यात्रियों का ब्यौरा लेकर उनकी जांच की जाएगी। रिम्स में अब गरीबों के इलाज में नहीं होगी दिक्कत, 5 लाख तक की मिलेगी मदद। रिम्स में गरीब मरीजों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक के फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत वैसे मरीजों को लाभ मिलेगा जिनके पास किसी सुविधा योजना का कार्ड नहीं है। वैसे मरीज जिनके पास ना तो आयुष्मान कार्ड है और ना ही कोई लाल या पीला राशन कार्ड और वे आर्थिक तौर पर गरीब हैं, ऐसे मरीजों को रिम्स की ओर से इलाज के लिए जरूरत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इलाज में कोई बाधा ना पहुंचे। झारखंड में निजी स्कूलों को भी खोलने का आदेश। बच्चे संक्रमित हुए तो नहीं देंगे किसी को दोष। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने निजी स्कूलों को भी कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने अलग से राज्य के सभी उपायुक्तों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा। उन्होंने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 1 अगस्त को जारी आदेश के तहत स्कूलों को खोलने की कार्रवाई करने के लिए कहा है। ये स्कूल कब से खुलेंगे इसे विभाग द्वारा तय नहीं किया गया है, इसे उपायुक्तों पर छोड़ दिया गया है। कहा गया है कि जिले के उपायुक्त ही हालात की समीक्षा कर स्कूल खोलने का आदेश जारी करेंगे। सभी उपायुक्तों को स्कूलों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सारी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है। आप सबको बता दूं कि निजी स्कूलों में भी बच्चे अभिभावकों की सहमति से ही आएंगे तथा ऑनलाइन भी कक्षा जारी रहेगी। इसके साथ साथ शिक्षकों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य भी होगा। धनबाद की अदिति और मनीष झारखंड स्टेट टॉपर। 4 विषयों में 100% और 1 में 99 अंक लाकर किया कमाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार दोपहर 12 बजे 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया। के लिए मंगलवार का दिन काफी मंगल भरा रहा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कार्मिक नगर के छात्र छात्राओं मनीष कुंडू और छात्रा अदिति झा ने 99.82% अंक हासिल कर इतिहास रच दिए। दोनों झारखंड स्टेट टॉपर बन गए हैं। स्टेट टॉपर बनकर दोनों ने धनबाद का नाम रोशन किया है। दोनों को 4 विषयों में 100 और 1 विषय में 99 अंक मिला है। ओलंपिक में भाग ले रहे झारखंड के खिलाड़ियों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में झारखंड की बेटियां अपना परचम लहरा रही है। तीरंदाज दीपिका कुमारी और हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान तथा सलेमा टेटे ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। इसी क्रम में आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके परिवार को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने निकी प्रधान और सलेमा टेटे के परिजनों को घोषणा के अनुसार 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। रांची में आयोजित कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और पूजा सिंधल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सलेमा के पिता को चेक सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा, आप खेल में अपना जोहर दिखाइए, सरकार आपकी और आपकी परिवार की चिंता करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहला मौका है जब खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी जा रही है और अब तक 40 लोगों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है। खबर है देश से। ट्रेनिंग पर निकला हेलीकॉप्टर क्रेश। पठानकोट के पास रंजीत सागर डैम में आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रेश हो गया। पायलट और को पायलट की खोज जारी है।
पठानकोट के पास मंगलवार को आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में क्रैश हो गया। 254 आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग उड़ान पर था और इसके पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इसके बाद पायलट और को पायलट की खोज जारी है। हालांकि पहले यह जानकारी मिली थी कि हादसे में दोनों सुरक्षित हैं। NDRF और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैक के रिजल्ट पर बड़ा विवाद, फेल स्टूडेंट शिक्षा मंत्री के आवास घेरने पहुंचे, कहा जिन्हें फेल किया है उन्हें भी पास करें। जैक ने कहा रिजल्ट पूरी तरह पारदर्शी। चार दिन पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी किए गए इंटर के रिजल्ट पर सवाल उठने लगा है। फेल छात्र रिजल्ट में अनियमितता के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज छात्रों ने सोमवार को जहां जैक मुख्यालय में उग्र प्रदर्शन किया तो मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गए। यहां ये डोरंडा के मेकॉन चौक के पास ही सड़क पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि जिन छात्रों का 9वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स थे उन्हें भी जैक की तरफ से फेल कर दिया गया है, जिनके मार्क्स कम थे उन्हें टॉपर बना दिया गया है। झारखंड में तीसरी लहर की तैयारी, रांची सदर अस्पताल में 51 बेड का PICU वार्ड शुरू, हेल्थ मिनिस्टर ने 5 मिनट की पूजा के बाद किया उद्घाटन। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी तेज कर दी गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इसके मद्देनज़र मंगलवार को सदर अस्पताल रांची में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि PICU वार्ड का उद्घाटन हुआ। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने 5 मिनट की पूजा और मंत्रोच्चारण के बीच इसका उद्घाटन किया। उन्होंने वार्ड भ्रमण कर यहाँ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान राज्य अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने वार्ड की सुविधाओं की जानकारी मंत्री को दी। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में मानसून की स्थिति अब तक बहुत अच्छी रही। जून और जुलाई यानी 2 महीने में राजधानी रांची में 908 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आमतौर पर मानसून में 1100 से 1200 मिलीमीटर बारिश होती है। आप सबको बता दूं कि अभी मानसून का और 2 माह बचा है। दिल्ली स्थित मौसम केंद्र ने अगले 2 महीने का पूर्व अनुमान भी जारी किया है। अगले 2 माह में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। सामान्य से 95% से 101% तक मानसून की बारिश हो सकती है। रांची के बाद सबसे अधिक बारिश बोकारो जिले में हुई, वहां करीब 822 मिलीमीटर बारिश हुई है। जमशेदपुर में 784 मिलीमीटर, डाल्टनगंज में 670 मिलीमीटर और चाईबासा में 412 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। झारखंड के उत्तरी मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में ज्यादा असर पड़ सकता है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1-2 स्थानों पर छिटपुट बारिश भी हुई। रांची एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन हुआ सामान्य, 28 हवाई जहाजों का नया शेड्यूल जारी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कोरोना की दूसरी लहर के बाद से स्थिति सामान्य होने लगी है। एयरपोर्ट से अब सामान्य दिनों की तरह 26 विमान उड़ान भरने लगे हैं। इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपना नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें लखनऊ के लिए भी एक विमान शामिल है जो इसी माह से संभवतः 13 अगस्त से उड़ान भरेगा। इंडिगो एयरलाइंस रांची से लखनऊ के लिए विमान सेवा शुरू करेगी। एयरलाइंस ने नई विमान सेवा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। भागलपुर गोड्डा के बीच मिली नई डेमो ट्रेन, 6 अगस्त से परिचालन। भागलपुर गोड्डा के बीच नई डेमो ट्रेन मिली है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद पूर्व रेलवे ने परिचालन संबंधी नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में रोजाना चलेगी। इसका परिचालन भागलपुर से 6 अगस्त को और गोड्डा से 7 अगस्त से शुरू होगा। इस रूट पर नई ट्रेन मिलने से भागलपुर, बांका और गोड्डा जिले के लोगों को यात्रा में सहूलियत होगी। इसके अलावा गोड्डा, हसडिया, दुमका के बीच भी 6 अगस्त से नई डेमो ट्रेन चलेगी। दुमका पड़ियाहाट पैसेंजर ट्रेन गोड्डा तक विस्तार किया है, जो 7 अगस्त से दोनों दिशाओं में परिचालन होगा। कोरोना वॉरियर को मिला सम्मान, 1 साल से एक भी छुट्टी नहीं लेने वाले डॉक्टर को हेल्थ मिनिस्टर ने किया सम्मानित। डॉक्टर अजीत ने कहा लगन से काम करने का हौसला मिला। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बेहतर कार्य करने वाले हेल्थ वर्कर्स को मंगलवार को सम्मानित किया गया। महामारी के दौरान बेहतरीन कार्य करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इन्हीं में एक नाम डॉक्टर अजीत का है। ये पिछले 1 साल से एक भी छुट्टी नहीं लिए हैं। वे लगातार अस्पताल आकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। सदर अस्पताल में पौष्टिक कोविड OPD के इंचार्ज डॉक्टर अजीत ने कहा कि यह सम्मान और लगन से काम करने का हौसला देगा। उन्होंने बताया कि ये उनके लिए गर्व का क्षण है। वे अपने शहर के लोगों की सेवा करते हुए सम्मानित हो रहे हैं।
गढ़वा में केसीसी लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा, बैंक कर्मियों पर लगाया आरोप, ब्रांच मैनेजर सहित 4 कर्मचारी सस्पेंड। झारखंड के गढ़वा में केसीसी लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। केतार बाजार स्थित झारखंड राज्य वनांचल ग्रामीण बैंक में केसीसी के लाभुकों के राशि निकासी में हेरफेर के आरोप में आरएम के द्वारा बैंक के ब्रांच मैनेजर सहित 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही शाखा के संचालन के लिए नए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है। वहीं सस्पेंड ब्रांच मैनेजर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आप सबको बता दूं कि बैंक कर्मियों पर आरोप है कि गत 16 जुलाई 2021 को मुकंदपुर गांव के बिंदु शाह, राजेंद्र शाह, धर्मेंद्र शाह, धर्मेंद्र राम, धर्मेंद्र सिंह, हीरा राम, हीरामन शाह, उपेंद्र शाह, सुग्रीव शाह, श्रवण शाह आदि का केसीसी लोन रेनुअल करने के लिए सभी लोगों के द्वारा 20,000 रुपये की निकासी की गई थी, लेकिन नेटवर्क ठीक नहीं होने की बात कर लाभुकों को राशि का भुगतान नहीं किया गया। घोषित लाभुकों ने आरएम से इसकी शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर आरएम ने जांच की तो मामले को सही पाया। जाँच में पाया गया कि 16 जुलाई 2021 के दिन भर की राशि निकासी की पर्ची ही बैंक से गायब है, जिसके बाद शनिवार को दोबारा आरएम के द्वारा बैंक की जांच पड़ताल कर शाखा प्रबंधक राहुल सिंह मुंडा, केशियर राजेंद्र ठाकुर, अब्दुल जैदी एवं चपरासी उदय शंकर चौबे को सस्पेंड कर दिया गया है।